क्या हुआ? हाँ, यकीन नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं हो रहा यकीन? तो ये देखो, मेरी पर्सनल चीजों को हाथ लगाए बिना खाना हजम नहीं होता ना तुम्हारा। आपका फेवरेट फ्लेवर है निहार जी, चॉकलेट ट्रफल। ये तो अमृता का भी फेवरेट है। किसने कहा तुमसे कि मुझे ये फ्लेवर पसंद है? I hate it! नफरत है मुझे इस फ्लेवर से। I just hate it! निहार जी, मेरा विश्वास कांच की तरह नहीं है जो अमृता की बात से बिखर जाएगा। आप एक बार बोल दीजिए कि ये सब झूठ है। बोलिए ना निहार जी, आप चुप क्यों हैं? सब झूठ है ना निहार? रुचिता कुछ पूछ रही है, जवाब दो। क्या ये अमृता सच बोल रही है? जी पापा। कहीं पढ़ा था मैंने रुचिता कि आईना उठाते वक्त पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। इस रिश्ते में अगर अपनी औकात नजर आ गई हो तुम्हें और अगर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची हो तो अपना सामान समेटो और निकलो यहां से। रुचिता कहीं नहीं जाएगी अमृता। उस रात भले ही यह रिश्ता गुस्से में जोड़ा गया लेकिन अपनी मर्जी से जोड़ा था। और हमारा रिश्ता रुचिता की वजह से नहीं टूटा बल्कि उससे पहले तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं मानता हूं मैंने तुमसे बहुत शिद्दत से प्यार किया लेकिन तुमने उस प्यार का मान ही नहीं रखा। अपने सपने पूरे करने के लिए तुमने मेरा सपना तोड़ दिया था। उस दिन तुम मेरी जिंदगी से अकेले नहीं गई थी बल्कि अपने प्यार को भी साथ लेकर गई थी। हमारे बीच जो कुछ भी था तुम्हारे उस फैसले ने उसे उसी वक्त खत्म कर दिया। अब क्यों डर रहे हो निहार? अब तो सबको सच पता चल गया है ना, so just say it! मुझे पता है तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। ये लड़की ये तुम्हारे लायक नहीं है निहार, मैं तुम्हारे लायक हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी भाभी की बहन और आज तुम्हारा सच जानने के बाद तुम मेरे लिए सिर्फ एक सरफिरी मुजरिम हो, एक ऐसी गुनहगार जिसका गुनाह शायद कानून के पास भी नहीं। आज तुम्हारे नाम से तुम्हारे वजूद से घिन आती है मुझे। नहीं, तुम मुझे ऐसे ठुकरा नहीं सकते निहार। पूरी जिंदगी का सवाल है निहार, मजाक मत बना अपनी जिंदगी का। देखो इसे और मुझे देखो, हम दोनों के बीच का फर्क देखो और फिर खुद को देखो। अगर इसके साथ रहे तो लोग हंसेंगे तुम पर। I'm perfect for you. तुम चाहते थे ना तुम्हारी वाइफ सुंदर हो। रुचिता जैसी लड़कियों को तो तुम पलट के भी नहीं देखते थे। हाँ हाँ हाँ, मुझे एक सुंदर वाइफ चाहिए थी। लेकिन तब मुझे सुंदरता का मतलब नहीं पता था।
आज समझा हूं, वक्त के साथ सूरत सिर्फ ढलती है और सीरत निखरती है। रंग रूप के कोई मायने नहीं, मन की सुंदरता ही अहम है। और इस मायने में रुचिता तुमसे तो क्या, मुझसे भी कहीं ज्यादा आगे है। आज जब मैं उसे देखता हूं तो मुझे उसकी सिर्फ मन की सुंदरता दिखाई देती है। अब अगर तुम्हें ये इतनी पसंद आ गई है तो आज इसकी सुंदरता पे दाग लगा ही देती हूं मैं। जी, आप अभी के अभी पुलिस को फोन कीजिए और उस लड़की को जेल भिजवाइए। एग्जैक्टली भाभी, इसकी जगह जेल में ही है। नहीं दी, प्लीज मुझे जेल मत भिजवाइए। मैं प्यार में इतनी पागल हो गई कि मैं अपना होश खो बैठी थी। सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। आई एम सॉरी दी, प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए प्लीज। सजा का इतना ही डर था ना अमृता, तो गुनाह करने से पहले ही अपने ये कदम पीछे हटा लेने चाहिए थे। मैं मानती हूँ दी, मैंने गुस्से में बहुत कुछ गलत कर दिया, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे प्यार का दर्द संभल ही नहीं रहा था। एक अलग सी जिद सवार हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पापा जी, भाभी, मैं अमृता की कोई पैरवी नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, क्योंकि अगर अमृता जेल गई तो भाभी के घर की भी बदनामी होगी और साथ में हमारे परिवार की भी बदनामी होगी। लेकिन रुचिता, नहीं निहार जी, मैं नहीं चाहती कि एक बहन के कर्मों की सजा सारी बहनों को मिले। वैसे ही मायके और ससुराल का रिश्ता एक बहुत कमजोर डोर से बंधा होता है, और ऐसी बातें उड़ी तो वो डोर और कमजोर हो जाएगा। रुचिता सही कह रही है, लाख गलतियां की हैं अमृता ने, लेकिन वह है तो परिवार का हिस्सा ही।